बाबा रामदेव ने कोरोना के खिलाफ दवा ईजाद करने का दावा तो किया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे फ्रॉड कह दिया। राजस्थान में बेचने पर पाबंदी भी लगा दी। मंत्री रघु शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पतंजलि की दवा आधिकारिक रूप से बिकती हुई पाई गई तो रामदेव के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। अब तक 93,53,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जद में ले चुका है। 4,79,000 की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। ऐसे वक्त में जब बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा का मंत्र फूंका तो लोग चौंक गए। खुशी भी थी, आखिरकार कोरोना का रामबाण मिल ही गया। कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान पहला राज्य बन गया जिसने बाबा रामदेव की दवा की बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा, केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोविड 19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का विक्रय नहीं किया जा सकता। कोविड 19 महामारी के उपचार की दवा के रूप में किसी भी औषधि का विक्रय पाए जाने पर विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दूंगा और ये कहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो, ये किस तरह से इन्होंने किसकी परमिशन से ट्रायल किया है, मजाक बना दिया इन्होंने। इससे पहले केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने रामदेव के दावों पर सवाल खड़े कर दिए थे। विज्ञापन पर रोक लगाया गया, दवा की जांच की बात कही गई है, पतंजलि से दवा के बारे में जानकारी मांगी गई है। आपकी दवा उसको कुछ ए करने के लिए हम नहीं कहते हैं, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर से वो जाए और लोगों को जल्दी मिले, इसीलिए वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए उनको कहा हुआ है। उन्होंने कल पूरी रिपोर्ट भेजी है, आज वो रिपोर्ट हम देखेंगे, टास्क फोर्स को भेज के उसका कंफर्मेशन बाद में उनको दे देंगे। आयुष मंत्रालय के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने भी पतंजलि की ओर से किए गए दावों को गलत बताया है। साथ ही पतंजलि को नोटिस भी जारी करने की तैयारी चल रही है। इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कैसे कहाँ से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया तीन दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने। हालांकि पतंजलि का दावा है कि उसने आयुष मंत्रालय को मांगी गई सारी जानकारी भेज दी है। बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोना के खिलाफ पतंजलि की दवा बिल्कुल सही है। क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था, उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के माने कोरोना और कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। ये सच है कि इस महामारी के बीच हर कोई कोरोना के इलाज की आस लगाए बैठा है। महामारी का खौफ अपनी जगह है, लेकिन कोरोनिल को कोरोना के 100% इलाज की दवा के दावे को वैज्ञानिक कसौटी पर कसना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जाहिर है सवालों के बीच रामदेव बुरी तरह घिर गए हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।